हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भारत का भूगोल चल रहा था और हमने कल फसलों के बारे में पढ़ा था। तिलहनी फसल, दलहनी फसल, फिर हमने कुछ बागानी फसलों के बारे में भी पढ़ा, जैसे चाय कॉफ़ी के बारे में। और फिर हमने बोर्ड्स बताए थे, जैसे कॉफ़ी बोर्ड का गठन हुआ है। ठीक है, तो कॉफी बोर्ड हमने बताया था बंगलुरु में है, रबर बोर्ड आपका कोट्टायम में, चाय बोर्ड कोलकाता, और तंबाकू बोर्ड जो है आपका गुंटूर में स्थित है। ठीक है, ये सब चीजें हम बताते हुए वीडियो को समाप्त किए थे कल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ और भी बागानी फसलें हैं, जिसमें तंबाकू, रबर होगा। ठीक है, और पशुपालन के बारे में भी हम देखेंगे, पशुओं के बारे में। भारत में पशु भी पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी जनगणना भी, इनकी भी गणना होती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके जैसे बीपीएससी का एग्जाम है तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने लायक हैं इसमें। और आप अगर एक से दो बार इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको वो सारे फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आसानी से याद होंगे, बस खाली उसको एक बार ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, अन्य बागवानी फसलें और पशुपालन। ठीक है, तो अन्य बागवानी फसलों के बारे में देखते हैं। जैसे कृषि मंत्रालय के तहत बागवानी फसल के बारे में बोला गया है, तो कृषि मंत्रालय ने जो बागवानी फसलों की घोषणा की है उसमें नारियल, सुपारी आ जाएगा, ताड़, कोकोवा, काजू। नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोवा, काजू जो है कृषि मंत्रालय के तहत बागवानी फसलों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहीं पे अगर हम वाणिज्य मंत्रालय की बात करें तो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार जो बागानी फसलें हैं उसमें चाय है, कॉफी है और रबर भी है। तो कृषि मंत्रालय की बागानी फसलें अलग हैं, तो वाणिज्य मंत्रालय की बागानी फसलें अलग हैं। तो कृषि मंत्रालय की कौन सी हैं? नारियल, सुपारी, ताड़, कोकोवा, काजू। और वाणिज्य मंत्रालय की हैं चाय, कॉफी और रबर। ठीक है, इतना ध्यान रखना, हो सकता है वहां पे बागानी फसलों के बारे में पूछे, सीधा पूछे तब तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कृषि मंत्रालय के तहत घोषित निम्नलिखित में से कौन सी बागानी फसलें नहीं हैं, तो हो सकता है तीन ऑप्शन दे दे, नारियल, सुपारी, ताड़ के, एक दे दे आप चाय। ठीक है, तो याद होना चाहिए वाणिज्य मंत्रालय के तहत कौन है और कृषि मंत्रालय के तहत कौन सी फसलें हैं। ठीक है, जो कि बागानी है। ठीक, आगे देखते हैं, तंबाकू के बारे में देख लेते हैं। तंबाकू पुर्तगाली लाए थे यहाँ पे भारत में, यूपीएससी का प्रश्न भी है। ठीक है, यूपीएससी में प्रश्न आ चुका है पहले भी। ठीक है, तो पुर्तगालियों द्वारा परिचित कराया गया था तंबाकू से। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने 1776 में पहली बार नकदी फसल के तौर पर उगाना शुरू किया था इसको। इतना भी ध्यान होना चाहिए कि पुर्तगालियों ने परिचित कराया हमें, ठीक है, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि 1776 में, 73 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 76 में नकदी फसल के तौर पे इसको उगाना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ध्यान रखना, पहली बार नकदी फसल के तौर पे उगाना किसने शुरू किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1776 में। ठीक है, महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल होने के कारण भारत में स्वर्णिम पत्ती बोलते हैं तंबाकू को। महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है तो इसको बोलते हैं स्वर्णिम पत्ती। ठीक है, इसमें देखिए कई सारी किस्में होती हैं तंबाकू में भी, तो
जैसे सिगरेट योग्य होती होगी, कोई बीड़ी बनाने में काम आती होगी। तो सिगरेट योग्य जो तंबाकू की किस्में होती हैं उनको फैब, FAB, बर्ले, बर्ले मतलब ये अमेरिका के केंटुकी राज्य में उगाई जाने वाली तंबाकू की प्रमुख फसल है। ध्यान रखना कि अमेरिका के केंटुकी राज्य में उगाई जाने वाली तंबाकू की प्रमुख फसल का नाम है बर्ले, ठीक है, ओरिएंटल के नाम से जाना जाता है। सिगरेट युग जो तंबाकू की किस्में हैं उनको हम फैब भी बोलते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं उनको, बर्ले भी बोलते हैं जो कि अमेरिका के केंटुकी राज्य में उगाई जाने वाली तंबाकू की प्रमुख फसल है, और ओरिएंटल भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। मुख्य उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे, तेलंगाना है, गुजरात है और कर्नाटक है, ठीक है। फिर क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए सबसे बड़ा राज्य, तो वहां भी आंध्र प्रदेश है, फिर गुजरात आएगा, फिर कर्नाटक है, फिर उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है तंबाकू के, ठीक है, तंबाकू के लिए। लेकिन उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो चौथा स्थान कर्नाटक का आता है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। 1776 में नकदी फसल के तौर पर उगाना शुरू किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, पुर्तगालियों ने लेकिन परिचित करा दिया था, ठीक है। आगे है नारियल। नारियल क्या है? 2015 के बाद उत्पादन लगातार बढ़ रहा है इसका। 2015 के बाद की अगर बात की जाए तो 2015 से नारियल का उत्पादन बढ़ रहा है लगातार, ठीक है। उत्पादक राज्य के बारे में देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक आते हैं। नया आंकड़ा है, ठीक है, नया आंकड़ा मतलब इस बार का नहीं है, लास्ट ईयर का है। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जो हैं तब नारियल के उत्पादन में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। अगर हम उत्पादक देश की बात करते हैं तो इंडोनेशिया पहले, फिर फिलीपींस, फिर उसके बाद भारत आएगा। उत्पादक राज्य में देखेंगे तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, देश में देखेंगे तो इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत इसमें शामिल है, ठीक है। मसालों की बात करें तो मसाले हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, देखने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। मसालों की अगर हम बात करें तो मसाले जो है, केरल को मसालों का बागान कहा जाता है, याद रखना, मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। अगर हम पर्टिकुलर मसालों के बारे में देखेंगे तो उसमें बहुत सारे राज्य हैं अलग अलग, लेकिन अगर टोटल मसालों की हम बात करें उत्पादन में पहला स्थान किसका है तो ध्यान रखना कि राजस्थान का है, नया आंकड़ा है, ठीक है, लास्ट ईयर का। केरल प्राचीन काल से ही विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, प्राचीन काल से ही केरल जो है विश्व में गरम मसालों के संवर्धन के लिए प्रसिद्ध है। तो टोटल मसालों की बात करेंगे तो अग्रणी उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है, लेकिन अगर हम अलग अलग बात करेंगे तो जैसे लौंग की हम बात करें, लौंग क्या है? यूजीनिया कैरिया फाइलेटा, यूजीनिया है, ठीक है, यू जीनिया कैरिया फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले पौधे से प्राप्त होता है। ध्यान रखना, यूजीनिया कैरिया फाइलेटा नामक मध्यम कद वाले पौधे से प्राप्त होता है, जो कि सदाबहार पौधा है ये, ठीक है। तो सदाबहार वृक्ष है एक यूजीनिया कैरिया फाइलेटा, जो कि मध्यम कद का भी है, इसी से लौंग प्राप्त किया जाता है। और यह सूखी हुई पुष्प कलिका होती है, प्रश्न आ चुका है, ठीक है, ध्यान रखना, सूखी हुई पुष्प कलिका होती है ये, ठीक है। उत्पादक राज्य की अगर हम बात करें तो उत्पादक राज्य हमारे केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार में भी उगाया जाता है, ठीक है। तो उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। काली मिर्च की अगर हम बात करते हैं तो काली मिर्च उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है, ये उष्ण और आर्द्र जलवायु का पौधा है काली मिर्च, है ना।
वार्षिक वर्षा, इसको साल भर में 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है, और ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 1100 से 1300 मीटर ऊंचा पहाड़ी ढाल भी चाहिए होता है इसके लिए। काली मिर्च के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 1100 से 1300 मीटर ऊंचा पहाड़ी ढाल की जरूरत पड़ती है। तापमान देखेंगे तो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 है 30, ओके। हाँ, उत्पादक देश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वियतनाम, इंडोनेशिया, फिर आता है भारत। भारत का काली मिर्च के उत्पादन में तीसरा स्थान है, ठीक है। तो काली मिर्च के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वियतनाम, ठीक है ना। चलिए, झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि के बारे में बहुत सारे पढ़ते हैं, ठीक है। झूमिंग कृषि कहते हैं, काटो जलाओ बोलते हैं, काटो जलाओ कृषि बोलते हैं, है ना, ऐसे नाम है। स्थानांतरित कृषि बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। देखिए तो भाई, स्थानांतरित कृषि पद्धति कहते हैं इसको, पहली बात। दूसरी चीज, काटो जलाओ भी कहा जाता है, ठीक है। काटो जलाओ कृषि पद्धति कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि पद्धति कहा जाता है। ये कहीं कहाँ मिलता है ये? तो आसाम है, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सेवन सिस्टर्स को याद रखना है कि झूमिंग कृषि कहाँ पे प्रचलित है, तो आपको सेवन सिस्टर्स को याद रखना है। सेवन सिस्टर्स है ना, सेवन सिस्टर्स में तो प्रसिद्ध है ये। सेवन सिस्टर्स मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो सात राज्य हैं हमारे, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और हो गया ना, आसाम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। फिर मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी होता है। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश उसके बगल में छत्तीसगढ़, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर लगा है आपका झारखंड में, ठीक है। तो ये तीन राज्य, बाकी आपका असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी होता है। अब इनके जो हैं अलग अलग नाम हैं, इनके जो झूमिंग कृषि है इसके अलग अलग नाम हैं। ये प्रश्न आता है कई बार, प्रश्न आया हुआ है अलग अलग नाम से, जैसे कहीं पे कुमारी बोलते हैं, कहीं पे कोडू बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जैसे देखिए, आसाम में क्या बोलते हैं इसको? आसाम में तो झूम बोलते हैं, सीधी सी चीज़ है, ठीक है। आसाम में झूम, आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं, पोडू, ठीक है, आंध्र प्रदेश में इसको पोडू बोलते हैं, ठीक। मध्य प्रदेश में इसके कई सारे नाम हैं, बेवार है, बेवार, बे ऐसे, बेवार, पेंडा, मशान, ठीक है। पश्चिमी घाट में कुमारी बोलते हैं, और यह उष्ण कटिबंधी वन प्रदेशों में होता है। उष्ण कटिबंधी वन प्रदेशों में खास करके ये झूमिंग कृषि की जाती है, स्थानांतरित तो पद्धति की कृषि की जाती है, जिसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है, जैसे बेवार, पेंडा और मशान मध्य प्रदेश में बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में पोडू बोलते हैं, आसाम में झूम बोलते हैं, पश्चिमी घाट पे बोलते हैं इसको कुमारी, ठीक है, और भी सारे नाम। अच्छा, अब यहाँ तक हो गया, कुछ चीज़ें हैं। जैसे ये प्रश्न आ चुका है पहले, ये वाला, मक्का का उत्पादन, मक्का जो होता है उसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो हमें पता होना चाहिए, मंड के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। मक्का का उत्पादन मंड के प्रयोग में किया जाता, मंड को बनाने में किया जाता, ठीक है, उत्पादन में। और मक्का से जो निष्कर्षित तेल होता है, वो ये भी प्रश्न आ चुका है, जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। मक्का से निष्कर्षित जो तेल है वो जैव डीजल के लिए फीड स्टॉक हो सकता है। तो ध्यान ये भी रखना है, ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं पहले, ध्यान रखना। ये हम कल बता दिए थे, कॉफी, रबर, तंबाकू, चाय, बंगलुरु, कोट्टायम, गुंटूर और कोलकाता, ठीक है। चलिए,
आगे भी है, एक चीज ये भी है, ये भी प्रश्न आ चुका है पहले, ठीक है। तो प्रसंस्करण के लिए बोले, उसमें प्रश्न था कि आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है जो कि प्रसंस्करण के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रसंस्करण के लिए आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए, कुफरी चिपसौना टू, कुफरी चिपसौना टू, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना। तो ये तीन प्रश्न इसमें पहले आ चुके हैं, इनको हमने इसमें बता दिया है, ये कई बार आ चुके हैं प्रश्न, ठीक है। तो ये भी ध्यान ध्यान रखना है। चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं पशुपालन के बारे में, ठीक है। पशुपालन के बारे में देखा जाए तो पशुपालन का क्या उपयोग है भाई? इनका दूध, मांस, ऊन, चमड़ा आदि उत्पादों को प्राप्त करने और कृषि कार्य तथा माल परिवहन के लिए पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया जो है वही है पशुपालन, ठीक है ना। इनके अलावा और कोई काम तो होता नहीं, दूध, मांस, ऊन, चमड़ा, बाकी कृषि कार्य करते हैं, जैसे बैल से खेती होती है, भार माल भी ढोते हैं, आपने देखा हो है ना। तो पशुओं को पालतू बनाने की क्रिया वही है पशुपालन, ठीक है। देखो, गाय बैल की दो नस्लें पाई जाती हैं भारत में, दो नस्लें गाय बैल की मुख्य रूप से पाई जाती हैं भारत में, एक तो बोलते हैं दुधारू और एक बोलते हैं भारवाही। अब दुधारू क्या है देखते हैं। दुधारू वो हैं कि जिनका काम जो सिर्फ दूध देते हैं, लेकिन उनके बछड़े जो होते हैं वो काम करने लायक नहीं होते, उनसे काम नहीं लिया जाता, ठीक है, काम नहीं ले सकते उनसे। तो गायें जो होती हैं बहुत अधिक दूध देती हैं, लेकिन बैल कृषि कार्य के लिए या माल परिवहन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दुधारू नस्लें हैं वो, सिर्फ एक काम कर रही हैं। इसमें गिर आएगी, साहिवाल है, सिंधी है, देवनी है, थार पारकर है और जर्सी भी आती है इसी में, है ना, इसको भी इसी में जोड़ सकते हैं हम। तो गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी और थार पारकर जो प्रजाति के हैं ये सब सिर्फ दुधारू नस्लें, ठीक है। और भारवाही नस्लें कैसी हैं? ये कम दूध देते हैं, लेकिन इनके जो बैल होते हैं वो माल परिवहन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें नागौरी है, मालवी है, हल्लीकर है, कंग्याम, किल्लारी, पोआर, सीरी। नागौरी, मालवी, हल्लीकर, कंग्याम, किल्लारी, पोआर और सीरी, ये हैं आपकी भारवाही नस्लें। दूध कम देंगे लेकिन इनके बैल जो होते हैं माल परिवहन के लिए अच्छे माने जाते हैं, मतलब कामकाज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। भारत की सबसे अच्छी देसी नस्ल की जो गायें हैं कहाँ पाई जाती हैं, है ना? भारत की सबसे अच्छी देसी नस्ल की गायें राजस्थान में पाई जाती हैं, ध्यान रखना। तो अब देखिए, थार पारकर देसी नस्लें हैं, नस्ल की गायें हैं, राठी, कांकरेज, साहिवाल, लाल सिंधी, गिर, नागौरी, हरियाणवी, मालवी, मेवाती, राजस्थान में पाई जाने वाली नस्लें हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज और है कि जैसे अभी हमने इसमें बताया क्या कि हरियाणवी और थारपारकर, हरियाणवी ये, और हमने और क्या बताया था, थार पारकर ये। फिर से देखिए, थार पारकर और हरियाणवी, ये जो नस्ल की गायें होती हैं ये द्विकाजी होती हैं। द्विकाजी मतलब एक तो दूध भी देती हैं और दूसरे क्या है इनका, माल परिवहन में भी, मतलब भार परिवहन में भी काम आते हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, हरियाणवी और थार पारकर जो नस्लें हैं ये द्विकाजी होती हैं, इन पर प्रश्न आ चुका है पहले, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती है मुख्य रूप से गंगातीरी गाय है, इनकी दुग्ध क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में गंगातीरी गाय मिलती है, ठीक है। हरियाणवी और थारपारकर ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है द्विकाजी होती हैं। अब हम भैंस की बात करें तो भैंस जो है इसकी नस्लों के बारे में, तो मुर्रा, भदावरी, जफराबादी, सूतरी, महसाना, नीली,
नागपुरी नाम भी है सबके, पंडरपुरी। मुर्रा भदावरी, जफराबादी, सुतरी, महसाना, नीली, नागपुरी और पंडरपुरी, ये हैं भैंस की नस्लें, भैंसों की नस्लें हैं ये सब, ठीक है। इनकी नस्लें हो गई। तो भारत में जो दुग्ध उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाए गए थे कई सारे, उनके चरण चले हैं, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे चरण चले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाना था, उनको सफल बनाने के लिए क्या किया गया, भारतीय डेयरी निगम की भी स्थापना हुई होगी, ठीक है, जो कि आनंद गुजरात में है। तो श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में ऑपरेशन फ्लड वन योजना के समारंभ से हुई थी, मतलब शुरुआत से हुई थी। ऑपरेशन फ्लड वन योजना के शुरुआत से 1970 में भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके जनक कौन है, तो याद होना चाहिए, वर्गीज कुरियन को बोला जाता है, वर्गीज कुरियन है ना नाम है, तो ये भी ध्यान रखना हमें। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन है, ठीक है, ये भी हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं, जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति हमने बताया था लास्ट के लास्ट वीडियो में, है ना। तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए ऑपरेशन फ्लड जो योजनाएं चलाई गई, उसके तीन चरण हुए, हमने बताया था, एक दो तीन चरण हैं। तो पहला चरण चला 70 से 80 तक, ठीक है। तो 70 से 80 तक कौन सा चरण है, पहला चरण रहा। और इसी चरण के दौरान हमने क्या बताया था आपको, कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना 1970 में आनंद गुजरात में हुई थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य था कि ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाया जाए, ओके। दूसरा चरण आता है 81 से 85 के बीच में, फिर तीसरा भी है, तीसरा आपका 85 से 94 तक चला, ठीक है। तो पहला 70 से 80, दूसरा 81 से 85, 81 से 85, और तीसरा चरण है 85 से 94, 94, ओके। चलिए आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, ऑपरेशन फ्लड योजना को सफल बनाने के लिए क्या किया गया, 1970 में भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई गुजरात में आनंद में। गुजरात में आनंद एक जगह है, वहां पे इसकी स्थापना की गई, किसकी, भारतीय डेयरी निगम की, ठीक है। फिर बात होगी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई है, डेयरी हमने लिख दिया था यहाँ पे, डेयरी होता है जैसे डेयरी, डेयरी, ठीक है। तो डेयरी वो विकास बोर्ड की स्थापना हुई है 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना की गई, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, है ना, ऐसे, ठीक है। अब राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, हरियाणा में है, हरियाणा में कहाँ, करनाल में। इसको डीम्ड विश्वविद्यालय भी घोषित कर दिया गया 1989 में, 1989 में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान करनाल को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया, ये प्रश्न आ चुका है पहले, ध्यान रखना इसका, ठीक है। आ तो ये भी गया है, ये भी प्रश्न आ चुका है ये वाला, ठीक है। अब फिर है कि भारत में सबसे ज्यादा दूध देने वाली बकरी जो जमुना पारी है, भारत में सबसे ज्यादा जो दूध देने वाली किस्म है बकरी की, उसका नाम है क्या, उसका नाम है जमुना पारी, ठीक है। बकरी को एक चीज और ध्यान रखना, कि बकरी को गरीबों की गाय कहते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा दूध देती है जमुना पारी नस्ल, ये भी चीज हमें याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी
तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।